फ्रेंड्स, आज लोकसभा चुनावों का चौथा चरण का मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो चुका है। इस बार चौथे चरण में कुल 96 लोकसभा संसदीय सीटों पर वोटिंग हो रही है। कुल 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के इसमें कुल 96 सीटों को शामिल किया है, जिसमें सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश के 25 सीट, बिहार के 5 सीट, झारखंड के 4, मध्य प्रदेश के 8, महाराष्ट्र के 11 सीट हैं, उड़ीसा के 4, तेलंगाना के 17 सीट, उत्तर प्रदेश के 4 सीट, पश्चिम बंगाल के 8 और जम्मू कश्मीर का 1 सीट शामिल हैं। पिछले बार इन 96 सीटों में से लगभग आधे से कुछ कम सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई थी, लेकिन यह काफ़ी टसल पूर्व चौथा चरण जितना भी है, ये दोनों पक्ष इंडिया गठबंधन और एनडीए के लिए काफ़ी टसल वाला है। तो इस स्थिति में चौथा चरण दोनों ही पक्षों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा। सबसे बड़ी बात है कि चौथे चरण में बिहार से 5 सीटें आ रही हैं। ये जो 5 सीटें हैं, इसमें आपको दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर की सीटें हैं। उजियारपुर वही सीट है जहां से गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय लड़ रहे हैं। आपको पता है कि 1 महीना पहले जब नित्यानंद राय को सहारा के भुगतान के मुद्दे पर स्थानीय लोगों ने सवाल किया, तो नित्यानंद राय झूठ बोलते हुए साफ ऑन कैमरा पकड़े गए और वहाँ से फिर भागते हुए दिखे। आज कमोवेश पूरे भारत की यही स्थिति है। जब भी बीजेपी के किसी नेता से सहारा के भुगतान को लेकर कोई सवाल किया जाता है, तो या तो वो झूठ मूठ का जवाब देते हैं, गोलमोल जवाब देते हैं और फिर वहाँ से भाग खड़े होते हैं, या फिर वही मोदी जी के जुमला की तरह, जिस प्रकार से मोदी जी का जुमला फेमस हुआ था, उसी प्रकार का जुमला दे देते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम पाई पाई का भुगतान करेंगे। तो फिर सवाल यह उठता है कि पिछले 10 साल से किसकी सरकार है। गया में जब अमित शाह से भरे मंच पर जब उनकी बेइज्जती होने लगी, जब वहाँ जनसभा में जब सहारा पीड़ितों ने हंगामा शुरू किया, तो मजबूरन अमित शाह को बोलना पड़ा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम पाई पाई का भुगतान करेंगे, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि पिछले 10 साल से किसकी सरकार है। सासाराम में भी उनके साथ यही स्थिति हुई। इसके अलावा मुजफ्फरपुर में जेपी नड्डा के साथ भी यही स्थिति हुई, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि हम सहारा का भुगतान करेंगे। तो लगभग सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर चीज़ की गारंटी देते फिर रहे हैं, लेकिन अभी तक ना तो किसी इंटरव्यू में और ना ही किसी चुनावी सभा में सहारा का उन्होंने जिक्र किया है। ऐसे में साफ यह मंशा साफ दिख रही है कि अगर दोबारा बीजेपी की सरकार फिर से बनती है तो सहारा का भुगतान नहीं करेंगे, क्योंकि मोदी जी अभी तक एक बार भी सहारा का नाम नहीं लिए। तो आप साफ समझ सकते हैं कि सरकार, जो मोदी सरकार यदि आ गई सत्ता में, तो सहारा का भुगतान फिर से लटक जाएगा, 100% कन्फर्म। दूसरी तरफ पिछले कुछ दिनों से अब इंडिया गठबंधन को सहारा के निवेशकों का मामला अब लग रहा है कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले कुछ 2-3 दिन पूर्व झारखंड के गोड्डा से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं प्रदीप यादव, उन्होंने वादा किया कि यदि वो जीतते हैं तो पाई पाई लौटाने का कार्य करेंगे, संसद में सहारा पीड़ितों की आवाज़ उठाएंगे और भुगतान का प्रक्रिया को चालू कराएंगे। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि इंडिया गठबंधन की जो सबसे ताकतवर, कांग्रेस के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी ताकतवर पार्टी है RJD, उसके मुख्य प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने 2 दिन पूर्व मल्लिकार्जुन खड़गे की उपस्थिति में पटना में कहा कि 13 करोड़ सहारा निवेशकों की पाई पाई को लौटाने का काम इंडिया गठबंधन करेगी। तो ऐसे में अब इंडिया गठबंधन के नेता खुले तौर पर अब सहारा पीड़ितों के भुगतान की बात करने लगे हैं, जबकि बीजेपी के किसी भी छुटभैया नेता के भी अगर हम बात करें तो वो भी कहीं नहीं बोलता हुआ दिख रहा है कि हम सहारा का भुगतान करेंगे। जैसे ही बीजेपी के नेताओं से सहारा का मुद्दा पूछा जाता है, सहारा के भुगतान का सवाल पूछा जाता है, वो भाग खड़े होते हैं। प्रधानमंत्री से लेकर
अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा से लेकर राजनाथ सिंह से लेकर कोई भी इस सहारा के मुद्दे पर मुंह नहीं खोल रहा है। ऐसे में अब विपक्ष को पता चल चुका है कि 13 करोड़ सहारा निवेशकों की ताकत का क्या है। इसीलिए पहले जहां कांग्रेस प्रत्याशी ने सहारा पीड़ितों के भुगतान की बात कही, अब वहीं आरजेडी के मनोज झा सहारा पीड़ितों का पाई पाई का भुगतान करने का बात कर रहे हैं। आज देश के 10 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 96 सीटों पर मतदान चल रहा है। ऐसे में आपका यह कर्तव्य है कि आप अपने मत का सही प्रयोग करें, वोट जरूर डालें, वोट का बहिष्कार बिल्कुल ना करें। बहुत सारे लोग हैं जो सहारा पीड़ित है, जो लिखते हैं कि भुगतान नहीं तो मतदान नहीं, तो यह गलती आप ना करें, क्योंकि आपके वोट नहीं डालने से क्या फर्क पड़ेगा। बीजेपी जीत जाएगी, फिर जीत जाएगी, फिर सत्ता में आ जाएगी, फिर 5 साल आपका रह जाएगा। आपका वोट नहीं डालने से वो पक्का जीत जाएगी, और यदि आप उसके अंगेंस्ट में विपक्षी दल को डालेंगे तो बीजेपी की हार 100% सुनिश्चित होगी। ऐसे में जब आप पिछले 10 साल से बीजेपी को देख रहे हैं तो एक बार विपक्षी दल इंडिया गठबंधन को भी मौका दे के देखना चाहिए कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस भुगतान करने में सक्षम हो, कांग्रेस भुगतान करे। तो ऐसे में आप मतदान जरूर करें, और भूल कर भी नोटा का बटन ना दबाएं। नोटा का बटन दबाने का मतलब है कि आपने अपने वोट को बर्बाद कर दिया, उसके गिनती होगा ही नहीं, उसका कहीं कोई वैल्यू नहीं है। तो भुगतान नहीं तो मतदान नहीं वाला जुमला छोड़ दीजिए, और अभी भी समय है, आज 4th चरण का मतदान चल रहा है। यदि आप तक यह वीडियो पहुँची है तो प्लीज़ आप जाके मतदान करें, क्योंकि मतदान कीजिएगा तो ही आपका भुगतान सुनिश्चित हो पाएगा, तो ही आपकी ताकत को सरकार समझेगी। जहां एक तरफ विपक्ष अब सहारा पीड़ितों की ताकत को समझ चुका है, ऐसे में यदि आपने 4th चरण में ज़बरदस्त वोटिंग की सरकार के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं सरकार हो सकता है 5वें चरण के पहले ही सहारा भुगतान का वादा कर दें। विशेषकर मोदी जी जरूर कोई ना कोई गारंटी दे दें। तो ऐसे में आप अपने घरों से निकले और वोट जरूर डालें। वोट हमारा अधिकार है, हमारा कर्तव्य है, और हमें इस कर्तव्य को जरूर निभाना चाहिए। आपको याद होगा कि जब सहारा घोटालों की बात निकली थी तो CBI ने FIR दर्ज किया था और तुरंत सहारा प्रमुख को गिरफ्तार किया था, लेकिन जैसे ही बीजेपी सत्ता में आई उसने सहारा प्रमुख को बेल दिला दिया और फिर सहारा प्रमुख के सभी लड़कों को बाहर भगा दिया, विदेश भगा दिया। बड़े बड़े अधिकारी आज आराम से, सहारा के बड़े बड़े अधिकारी करोड़ों के कोठी में रहते हैं, लेकिन उन पर पुलिस का हाथ नहीं डाल पाती है। पुलिस जब कुर्की जब्ती के आदेश को लेकर जाती है तो स्थानीय पुलिस का सहयोग नहीं मिलता है, और स्थानीय पुलिस कह देती है कि वहाँ उस नाम का कोई नहीं रहता है। अभी हाल फिलहाल में स्वप्ना राय के साथ वही घटना घटी, जबकि स्वप्ना राय उसी एड्रेस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करती है, और जब कुर्की का आदेश जाता है तो कह दिया जाता है कि वो तो वहाँ रहती ही नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सत्ता पक्ष भी, बीजेपी के नेता, बड़े मंत्री, सरकार, पूरी सरकार सहारा के साथ मिली हुई है। ऐसे में आपका कर्तव्य बनता है कि एक बार विपक्ष को मौका दें। हो सकता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष आपके भुगतान को लेकर सीरियस हो। अब चूंकि विपक्ष के नेता सहारा भुगतान की बात उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा भी कर्तव्य है कि हम उन्हें एक मौका दें, क्योंकि जब वो जीत कर आएंगे, जब सरकार बनेगी, तभी तो हम उनसे सवाल करेंगे कि भाई हमारा भुगतान का क्या हुआ। जब वो हार ही जाएंगे, जब उनके हाथ में पावर ही नहीं रहेगी, तो हम कहाँ से सवाल करेंगे। और मोदी जी तो चूंकि सहारा का नाम ले ही नहीं रहे, तो वो तो बोलेंगे कि भाई हम तो नाम सहारा का भुगतान का वादा ही नहीं किए थे, हम कोई गारंटी ही नहीं दिए थे, तो हम क्यों भुगतान करें। तो चूंकि अगर आप अपना भुगतान चाहते हैं तो दिमाग से निकाल दीजिए कि सर कांग्रेस नहीं देगी। एक बार आप सत्ता बदल के देखिए, क्योंकि 10 साल सत्ता रह चुकी है, अब बदलाव जरूरी है। धन्यवाद दोस्तों।